बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं वाओ न्यू अपडेट टीवी में। प्यार सोस्तों, तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दुबई से एक और बहुत बुरी खबर आ चुकी है। वो आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो आप लोगों ने कम्प्लीट देखनी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2 दिन से ये जो विजिट वीज़ा बंद हुआ है उसके बारे में हम बता रहे थे, लेकिन ये उससे भी बुरी खबर है। और क्यों बंद हुआ है वो भी आप लोगों को इसी वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन वीडियो आप लोगों ने कम्प्लीट देखनी है, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको सारी बात समझ में आए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं अपने न्यू आने वाले नाजरीन से कि प्यार से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को आप लोगों ने लाजमी प्रेस कर लेना है, ताकि ऐसी मजीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। तो सबसे पहले हालात पर नज़र डाल लेते हैं। दुबई के हालात में आप लोगों को सबसे पहले कोरोना की जो केसेज़ है वो बता देता हूँ। आज की जो कोरोना के केसेज 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं वो आए हैं 1236 केसेज सामने आए हैं। अगर टोटल बात की जाए यूएई में तो 1,55,636 केसेज वो भी सामने आए, जिसमें डेथ केसेज 545 हो चुकी हैं। और टोटल रिकवरी की बात की जाए तो 1,45,000 से ज़्यादा रिकवर कर लिए गए हैं, क्योंकि दुबई वालों के पास अभी वैक्सीन है, इसलिए जल्द से जल्द रिकवर कर रहे हैं। बाकी इसी की वजह से जो बैन वगैरह हुआ है, जब तक क्लियर नहीं होता कोरोना का सारा सिस्टम, उस टाइम तक बैन रहेगा ये सिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो ये नई अपडेट थी, मैंने बोला हालात पर नज़र कोरोना वायरस के बारे में आप लोगों को बता दूँ कि कितना बड़ा है और कितना कम हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।